हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगाने से आपके चेहरे पर रिझाइयाँ हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन का कलर फेयर नहीं है, तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपके भी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो के आपका स्किन का कलर जो है बहुत ही अच्छा लगे, खूबसूरत दिखे, आपकी स्किन गोरी दिखे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेमेडी मैंने बनाई है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो बहुत ही नेचुरल है। आप इसे ज़रूर लगाएं अपनी स्किन पे ताकि आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक होगी, आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होने वाला है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो फटाफट से देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 चम्मच अलसी के बीज। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अलसी के बीज लिए थे और नाइट में इन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें आपको 2 चम्मच अलसी के बीज जो है नाइट में भिगो देने हैं। आप चाहें तो इसे दिन में अगर बना रहे हैं तो सुबह आप थोड़े से पानी में 2 चम्मच अलसी के बीज भिगो दीजिए और आप देखते हैं कि ये जेल जैसा बन जाता है और ये जेल की तरह ही बनता है। अलसी के बीज खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप खाते हैं तो झाइयाँ बहुत जल्दी चली जाती है। और इसके साथ ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, जो आज मैं आपको बताऊंगी। इसे लगाएंगे तो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन टाइट नहीं है, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो ये बहुत जल्दी ठीक कर देती है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो 2 चम्मच अलसी के बीज भिगोए थे उनका जेल बन चुका है, तो इसमें 2 चम्मच मैं चावल का आटा ले रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा लेने के बाद इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा बादाम का ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बूंद बादाम का ऑयल दिया है, उसके बाद 1 चम्मच के करीब शहद दिया है और 1/2 चम्मच भी ले सकते हैं आप शहद। उसके बाद इसके अंदर आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब शहद लिया है और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। तो अभी सर्दी है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है जम जाता है, गर्म नहीं करना है कोकोनट ऑयल को, ऐसे ही इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आप इसे मिक्सी के अंदर पीस लें, तो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसे मिक्सी में पीसूंगी। तो बहुत अच्छा लेप हमारा जो फेस पे का बहुत ही अच्छा रेडी होके तैयार हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसे मिक्स करें और मिक्स करके इसे मिक्सी में पीस लें। तो अच्छे से मैं पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे मिक्सी में पीसने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जेल की तरह बन चुका है और क्रीम की तरह बना है। और इसे जब आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी स्किन पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, ग्लो नहीं है, सारी प्रॉब्लम ठीक कर देता है। ये होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी है और ये अगर आप यूज़ करते हैं ना तो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ ये सभी स्किन वालों को सूट करेगी। ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी है, आपकी कोई भी स्किन हो, सेंसिटिव हो, ड्राई हो, ऑयली हो, सभी स्किन वालों को ये रेमेडी सूट करेगी। तो इसे ज़रूर लगाएं अपने चेहरे पे। तो चलिए फटाफट से अब इसे पूरे फेस पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे लगाएं तब अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, मेकअप नहीं होना चाहिए पूरे फेस पे, अच्छे से इसे लगाना है और क्लीन होना चाहिए पूरा फेस। तो मैं अच्छे से पूरे फेस पे इसे लगा लूँगी और लगा के कम से कम मैं 10 मिनट रखूँगी। तो पहले मैं अच्छे से पूरे फेस पे इसे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे फेस पे इसे लगा लिया है और अब मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि 10 मिनट के लिए तो रखना ही है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, चाहे तो इसे 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट के बाद जब ये हल्का सा सूख जाए तब आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स, आप जब मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा और ये जो
आपके चेहरे पे झाइयाँ हो या फिर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हों तो वो सब ठीक हो जाते हैं। तो आपको मसाज ज़्यादा नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट करनी है और मसाज हमेशा ऊपर की तरफ करनी है। तो इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश करना है। ना पानी गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा। तो मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज करूँगी, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मसाज के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। और इसे लगाने से धीरे धीरे ये रेमेडी काम करती है, धीरे धीरे इसे लगाने से आपके चेहरे की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हफ्ते में कम से कम आपको 3 बार ज़रूर लगाना है, आप चाहें तो इसे 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसका यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आने के साथ साथ आपका कलर भी फेयर होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये रेमेडी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।